21 अप्रैल को एआईसीसी की महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। यहां वे कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। एक सभा भूपेश बघेल के पक्ष में राजनंदा गांव में जबकि दूसरी कांकेर में कराई जाएगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भाजपा ने उन पर तंज कसा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनके पुराने प्रवास पर कांग्रेस की तैयारी पर कटाक्ष किया है। विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने एक बार जनता के पैसों से गुलाब की पंखुड़ी बिछाकर स्वागत किया था। गुलाब की पंखुड़ियों से कांग्रेसी उन्हें गुलकंद बना लिया था। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ करने वाला है। कांग्रेस वालों ने जैसे पूरी जनता के पैसे को लेकर के और कमल फूल के फूल बिछाए थे, उनके लिए गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ बिछाई थी, फिर उस गुलाब फूल की पंखुड़ियों का उन्होंने गुलकंद बना लिया था, तो ऐसा फिर वो करेंगे। उनका राजनीतिक वजूद ही कहाँ है यहाँ पर, उनका राजनीतिक अस्तित्व ही कहाँ पर है यहाँ पर, वो किस तरीके से यहाँ पर आकर के प्रचार करेंगी, वो क्या कहेंगी, देखने का विषय तो यही है। वहीं बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान के विषय पर बात करते हुए गृह मंत्री शर्मा ने कहा, बस्तर में 3 दिनों बाद होने वाले मतदान को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वीकारा कि बस्तर में चुनौतियां बहुत है। बस्तर इस बार बदला हुआ है। हर चुनाव से पहले नक्सली घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 19 को चुनाव है बस्तर का, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सब परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। बस्तर में चुनौतियां भी हैं, लेकिन इस बार बदला हुआ है। पहले हर चुनाव से पहले नक्सली कुछ घटना किया करते थे, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तो हमारे सुरक्षा कर्मियों ने भी गजब किया है, सैनिकों ने भी गजब किया है, जवानों ने भी गजब किया है। और इस बार फिर भी चुनौतियों के साथ बस्तर में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता खूब परिश्रम कर रहे हैं, जन जन के पास जा रहे हैं। साथ ही राम नवमी पर कल बीजेपी का प्रदेश भर में कार्यक्रम मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, इस राम नवमी में प्रभु श्री राम अपने निवास में होंगे। 500 सालों के संघर्ष के बाद यह क्षण आया है। भैया, भारत की भूमि में भगवान राम 500 वर्षों तक टेंट वगैरह में कहीं बाहर रहते रहे, उनका अपना मंदिर नहीं था। भारत के पूरे समाज ने अपने ही देश में 500 वर्षों तक संघर्ष किया। अरे कोई कुवैत में जाकर, अरब अमीरात में जाकर के तो मंदिर बनाने की बात नहीं करते, भारत में राम भगवान का मंदिर बनाने के लिए 500 साल संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन फिर भी यह सुखद है कि इस रामनवमी में भगवान अपने निवास पर होंगे, उस भव्य मंदिर में होंगे, जो भारतीय जनचेतना का प्रतिमान है, जो भारत के जन जन का अभिमान है। इसके साथ ही राजनांदगांव के खैरागढ़ में चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल में नक्सलवाद खत्म करने का दावा किया था। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसी भी विषय को लेकर लक्ष्य बांधकर चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं, पुनर्वास नीति के साथ वे फिर सामने आएंगे। लक्ष्य बांध कर चलना ही पड़ता है किसी विषय के लिए, और नक्सल मुक्त बनाने का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि कोई जाकर के वहाँ पर ऑपरेशन सी किया जाए, ऐसा नहीं। उसके जो भी तरीके हैं उनको पूरे रास्ते होंगे कि वो मूलधारा में आए। प्रतिदिन प्रतिदिन समाचार आता है, आज भी 33 लोगों ने लगभग आत्मसमर्पण किया है, और सबका स्वागत है जो मूलधारा में आ रहे हैं, सबका स्वागत है। एक और अच्छी पुनर्वास नीति के साथ फिर सामने आएंगे, वह भी रास्ता होगा, चर्चा का भी रास्ता होगा, अनुबंधों का भी रास्ता होगा, और गांव तक विकास पहुंचाने के लिए जो आवश्यक करना पड़े वो भी किया जाएगा।